रिनो तीन दरवाजों से कंट्रोल होता था, एक का नाम है पोर्टा प्लाजो, एक का नाम है पोर्टा सुधा, एक का नाम है पोर्टा नो। जी फास्ट एंड फ्यूरियस बनी थी हमारे पीछे वो जगह, ये देखो नसीर कहता है जब फास्ट एंड फ्यूरियस इधर बन रही थी तो मैं उधर तक आया हूँ। ये है जुवेंटस की मेन एंट्रेंस, इधर से रोनाल्डो जाता होता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो दो जी? जैसे आपने पेरिस का व्लॉग देखा उधर से मैं आ गया इटली, और इटली में मैं अभी तुरिनो में, तो अभी आपको तुरिनो घुमाया जाएगा, फिर इधर से एक और आगे कंट्री में भी जाया जाएगा। तो मेरे साथ ये मेरा कजन है नसीर, अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों मिले हैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा, तो पहले भी मैं एक दफ़ा इटली आ चुका हूँ। तो ये अभी जगह हम आए हैं, इसका नाम है, इसका नाम है पोर्टा प्लाजो। पोर्टा का मतलब होता है इटालियन में दरवाजा। हाँ हाँ, तुरिनो तीन दरवाजों से कंट्रोल होता था, एक का नाम है पोर्टा प्लाजो, एक का नाम है पोर्टा सुधा, एक का नाम है पोर्टा नोवा। वो सही, ये पूरा सिटी इन दरवाजों से बंद होता था। ये इसका एक जो पहला दरवाजा है ये पोर्टा प्लाजो का है। हाँ, अच्छा ये पोर्टा प्लाजो है। तो ये इन्होंने बनाया किस लिए था? ये जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना, सिटी को कंट्रोल करते थे या कोई मतलब अंदर जो इनका वो एम्पायर वगैरह, तो उसमें आम बंदा नहीं जा सकता था, हर कोई बंदा, तो समझो उनके जो ऑफिसर्स वगैरह जो ये उनकी थी, ठीक है, जहाँ से ये कंट्रोल होता था। इसका पहला ही गेट है। अच्छा ये भी पहला ही गेट है सारा? पहला ही गेट है, ये पहला गेट है। हाँ हाँ। और इसके अंदर सिटी सेंटर सारा जो बंद है, हरे पूरा, ये बहुत बड़ा है। अच्छा, मतलब घूमते घूमते आप तक जाओगे। अच्छा मैंने समझा ये ही है सिर्फ, ये दीवार उसी तरह का उसी का है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, उसी तरह ही है, सेम आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल रियल है। अच्छा अभी ये पहला ही गेट देख रहे हैं हम, ये पहला ही गेट है। दूसरा गेट यहाँ से 2 किलोमीटर। अच्छा हम एक ही देख के राजी हैं, तो ये भी ये देख के फिर इधर से सेंटर की तरफ भी जाएंगे। जो पोर्टा प्लाजा ये गेट है, ये तीन गेट थे और सिटी जो थी ये इसके अंदर थी, तो ये सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कह लो जंगें जब होती थी, और जब भी कोई फूड वगैरह राशन वगैरह आता था तो फिर ये दरवाजे खुलते थे और अंदर ये जाते थे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ क्या क्या देखेंगे। जो सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट है ना यूरोप में, वो भी इसी सिटी में है, जो सबसे बड़ी कह लो लंबी स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट जैसे आपको पता है, चौड़ाई भी, तो वो भी देखेंगे। फिर हम जुवेंटस का स्टेडियम भी देखेंगे, जुवेंटस आपको पता है रोनाल्डो ने जुवेंटस के लिए खेला हुआ है, और वहाँ पर जो जहाँ पर अभी रिसेंटली जो मूवी बनी थी फास्ट एंड फ्यूरियस जो बनी थी, कहता है वो भी जगह आपको दिखाई जाएगी, वो भी आपको व्यू दिखाएंगे, वो भी व्यू दिखाएंगे। फिर ट्रिनो जो सेंटर है सिटी सेंटर, वो भी देखेंगे अभी, जहाँ सिटी में घूमने का मजा ही पैदल आता है, हर चीज आप सही तरीके से देख सकते हो। और ये कबूतर भी हमारे साथ साथ चल रहा है गरीब। इटली में आप किसी भी सिटी में जाओ, किसी भी छोटे से बड़े से ना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई जो है हिस्ट्री मिल जाएगी। रोमन थे ना, रोमन वो इटली से निकले थे, इटली से निकले थे। दूसरा जो यहाँ का जो मेन लीडर था ना मुसोलिनी, वो था इटालियन था, तो वो देख रहे थे। ये वो ही जैसे थिएटर होता था, मैंने आपको पता है एक थिएटर तुर्की में भी दिखाया, थिएटर के साथ ये देखें ये चर्च बना हुआ ना, ये थिएटर है, ये नुक्कर में चर्च है, और यहाँ से आप सिटी के अंदर जो पहला फोर्ट था ना, यहाँ से आप एंटर होते हैं। और ये देखें ये वो जो बेल नहीं बजाते चर्च वाले, कितनी ऊंची है, ये कितना बड़ा चर्च है। तो ये अभी सामने जाएंगे, ये क्या है नसीर? ये कमूना है। कमूना क्या होता है? तुरिनो ऑफिस टेक्निको, जो टेक्निको दल एप्लीकेशन वगैरह जो, अच्छा टेक्नीशियन ऐप वगैरह जो कम्युनिटी होते हैं। हाँ हाँ, ये वो चेक करो, ये भी काफी बड़ा ऑफिस है। तो ये भी हम सिटी के अंदर जा रहे हैं, बस ये पहला एंट्रेंस है सिटी के अंदर जो जहाँ से आप एंटर होते हैं। हाँ, और ये तुरिनो कौन सा बॉर्डर इसको नजदीक लगता है यूरोप का? यहाँ फ्रांस पड़ता है, स्विस पड़ता है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जो है इसके नजदीक है, इसीलिए ये तुरिनो का वेदर भी सबसे बेस्ट है इटालिया में, बहुत सारे टूरिस्ट इधर आते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है प्यासा कास्टेलो, तो आगे हम प्यासा कहते हैं, प्यासा कहते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा चौक कह लो, मतलब इंसान के दिल में जो दिल होता है ना। हाँ। तो ये सिटी का दिल यहाँ से शुरू होता है। बस हम दिल में आ गए हैं अभी। हाँ। दिल में एंटर हो गए हैं तुरिनो के, चेक करो ये म्यूजियम है यहाँ तुरिनो का, ठीक है, ये वाला सामने म्यूजियम, ये दो म्यूजियम है तुरिनो के, और ये चेक करो कितनी बड़ी जगह। ये सही है, आपको फीलिंग आ रही है बकिंगम पैलेस वाली, इतनी खुली जगह इन्होंने छोड़ी हुई। अभी इसको जो है ना, इसका जो कलर था ना, जब यहाँ पर धूप वगैरह ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट है, तो इसका कलर का ख्याल बहुत रखते हैं। ये अभी दोबारा रेनोवेशन शुरू कर दी है, तो ये कर रहे हैं, तो ये चेक करो। और हम जिस जगह पे एंटर हो गए, इसका नाम है प्यासा कास्टेलो, प्यासा कास्टेलो में हम एंटर हो गए, और तुरिनो हम घूम रहे हैं। इटालियन में बोलते हैं चेंत्रो, मतलब सेंटर, चेंत्रो। तो हिस्ट्री अगर आपको पता है, हिस्ट्री देखनी है, वो तो इटालिया के बाद बस है ना, फिर रोमन ने, रोमन एम्पायर ने पूरी दुनिया में थड़थली मचा दी थी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सामने जो विया नजर आ रहा है ना, वो दरमियान में विया रोमा के उस पर जो है ना पोर्टा नोवा है। हाँ हाँ, जो इसका दूसरा जो गेट है वो सामने है। हाँ हाँ, ये सारा इसका जी चेंत्रो, हम भी इटालियन हो गए चेंत्रो, के आर्मी के जो सोल्जर्स वगैरह थे, तो उनके लिए उनके एजाज में इन्होंने ये देखे, उनके स्टैचूज भी बनाए हुए हैं।
जिसके सर पे कवा बैठा हुआ ना वो इनका मेन लीडर है। ये चेक करो, इसका नाम है वीओपी, ठीक है। यहां पर साइड पे जितना दे रहे हैं ये सारा रेस्टोरेंट एरिया। अच्छा, मतलब जितने भी टूर स्टॉप, अब ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं ये साइड में, ये देखो ये सामने जो है ना। हां हां, चर्च के ग्रैंड मार्ट देखो, यहाँ पर वो मूवी बनी। यहाँ पे भी जी फास्ट एंड फ्यूरियस बनी थी, ये हमारे पीछे वो जगह, ये देखो। नसीर कहता जब फास्ट एंड फ्यूरियस इधर बन रही थी तो मैं उधर तक आया हूँ, तो कहता इधर मैंने देखा गंजे को उतरते हुए लेकिन मुझे आने नहीं दिया। कुछ जिंदगी में हासिल तो किया ना तूने। हाँ कुछ कुछ तो देखा है। चलो यार, विन डीजल को तो किसी को बता देंगे कि सामने से बाहर जाके क्या किया, क्या देखा, कहना विन डीजल को देखा है, फिर जैसे सितम को देखा है, देख लो वो तो है ही, फेवरेट हीरो है हमारा। तो अभी हम किधर जा रहे हैं आगे? अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जो मतलब एक व्यू है जो पानी वाला। हाँ हाँ, वो आपको दिखाएंगे अभी, फिर वहाँ से वो पहाड़ी से आपको तुरिनो की पूरी सिटी की वो। क्या बात, तो उधर वो पानी वाली जगह, उधर भी फास्ट एंड फ्यूरियस का शूट हुआ है। जिस पुल से वो जो गाड़ी उनकी गिरती है ना वो। हाँ, ये पुल है सामने, ये चेक करो, वो देखो सामने, क्या बात है, कितनी खुशी हुई है दिल को। ये देखो इधर भी ताले लगाए हैं, आवाम ने ये अच्छा सिस्टम बनाया हुआ, पेरिस में भी दिखाया। नहीं नहीं, हमारा ताला किधर से लगने आप? पुल जब ख़त्म होता है ये सामने वो आप देख रहे हो, ये एक चर्च बना हुआ है, ग्रैंड मादरे। तो इधर से अभी हम किधर जाएंगे? इधर से जाएंगे ऊपर, अभी वो ऊपर जाएंगे इधर से। मुझे अभी पता लगा, नसीर को तो पता था, नसीर कहता है कि तुरिनो के कोर आजाद भी हासिल हुआ कि जो ओलंपिक था वो तुरिनो में ही हुआ था, क्योंकि तुरिनो डेवलप इस तरह हुआ था कि इनके जो रोड है और जो भी चीजें ना वो बनी ओलंपिक्स के लिए थी। अच्छा, अभी भी जो मतलब जो ओलंपिक मिलेगा हो सकता है उसका चांस है कि तुरिनो में हो जाए, क्योंकि इनके रोड जितने भी है ना वो बहुत खुले और बड़े बड़े हैं। आप किसी भी सिटी में जाओ ना वो ऐसे नहीं है, कंजेस्टेड होता है। तो ये पहले से ही बना था, मतलब डेवलप हुआ उसी टाइम में जब ओलंपिक्स। क्या बात है, और अगला ओलंपिक को आपको पता है पेरिस में है शायद, तो चलो फिर तुरिनो को भी ओलंपिक दिया जाएगा एक ना एक दिन। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं मार खाप के, वो किधर से चल के आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी आपको सीन दिखा। ये चेक करो जी तुरिनो, कितनी बड़ी सिटी, और वो नीचे पता है वो पुल के उस साइड में मैं खड़ा हुआ था और आपको बता रहा था कि ऊपर जाना है, और ये देखो क्या बात है। इसी साइड पे वो जो मतलब आपको पहाड़ नजर आता है वो फ्रांस का बॉर्डर है, ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे जाए ना फिर वहाँ से स्विस का बॉर्डर। स्विस का बॉर्डर, ये चेक करो, ये पीछे चर्च है, पहाड़ वाला चर्च इसको कहते हैं जी। मैंने कहा पहाड़ वाला म्यूजियम, वैसे कहते हैं कि ये पहाड़ पे है, इसको इसलिए पहाड़ वाला म्यूजियम कहते हैं कि जितने ये पहाड़ आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये सारे तो इनकी हिस्ट्री, इनके कुछ ऐसे उनके पास कह लें कि पार्टिकल्स कुछ चीज़ें होंगी जो पहाड़ पे ना वो चर्च है ना। हाँ, पर इनका पूरा जो टीम था ना फुटबॉल की वो क्रैश हुई थी उस चर्च पे, वो देख रहे हो आप ये बंदे के साथ, तो उन्होंने फिर उनके जो कह लें मज़ार कब्रें उधर ही बना दी। और ये जो सामने जगह है इधर रोनाल्डो भी रहता रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इधर घर दिया हुआ था इन्होंने। तो देख लो तुरिनो, कौन कहता है हिस्ट्री नहीं है तुरिनो में यार, और कितनी बड़ी सिटी है माशाल्लाह, और खूबसूरत भी है, और तीसरी बड़ी भी, और मैं रोम भी गया हूँ, मिलान भी गया हूँ, मुझे तो पर्सनली तुरिनो साफ भी है और अच्छा भी है, खूबसूरत भी है और पसंद भी आया। वक्त के साथ साथ यहाँ पर ना हर जो इनका जो मिनिस्टर आता है ना हाँ, वो कोशिश करता है कि मैं काम अच्छा करूँ ताकि अगला वोट मुझे, अगला भी मुझे आए और मुल्क को ना खाऊं। इससे पहले जो इसकी थी ना औरत थी या जो मिनिस्टर थी, उसने बहुत काम किया है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें इससे भी अच्छा चाहिए, तो जो आप बंदा उससे अच्छा था वो लेके आए। और इधर एक और म्यूजियम है ना, वो गाड़ियों का म्यूजियम है, पता है हर चीज का डिफरेंट म्यूजियम होता है। और उधर एक औरत है जो पूरी दुनिया की पहले नंबर पे लाइसेंस किया है गाड़ी का, तो उसका भी लाइसेंस उधर पड़ा हुआ है, तो देख लो फिर जिस तरह भी है लेकिन अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे पहले औरत थी ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब उसने बहुत काम किया, मैं हिसाब से उसके जैसा देना चाहता मैं उसको देता, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं इससे भी हमें अच्छा चाहिए, तो वो एक इससे अच्छा नवाज शरीफ है जो बंदा था वो लेके आए। और हमारे हमारे वाले कहते हैं कि हमें जितना करप्ट हो उसी का साथ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी हम इस जगह को अलविदा कर रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं वो दूसरे गेट पे, और जो हाई स्ट्रीट है यूरोप की सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट है, यूरोप की सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट है वो ये है, ये सामने, इसका नाम है विया गिरिबाल्दी, विया गिरिबाल्दी ये लिखा हुआ है। तो ये देखो अगर किधर तक आपको नजर आ रही है, मैं वो देखो, ये यूरोप की सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट है ये, वैसे मैंने बताया 10 मिनट का, ये किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। ये सही है ना, इसने हमें पैदल चलवा चलवा के मारने ही है, सही है मरेंगे हम। तो भाई अगर आप लोगों ने मतलब एक जगह पे आए और आपने देखना है कि मैं सिटी को देखूं, तो पैदल
जो चीज़ आप देख सकते हो आप गाड़ी वगैरह पे नहीं देख सकते। तो ये नहीं ना सोचता कि ये पैदल देख सकता है और हमारे जैसा आलू क्या करेगा। ये स्टोर है जुवेंटस का, देखो ओरिजिनल चीजें, ये प्राइसेस भी लिखी हुई है। ये देखो ये क्या मालिया होम जो इनका होम किट है ना 90 यूरो का है। मालिया परसेंट जो इनका वो प्रैक्टिस और जो दूसरे वो जो किट होता है ना वो ठीक होता है। सिर्फ शर्ट जो होम है वो 45 यूरो का है और कच्छा 23 का। वो नहीं ये पल्लू है, पल्लू अच्छा मैं क्या कच्छा 23 का देंगे। तो ये जुवेंटस की नई किट ये है और ये भी वही 90 यूरो के। ये मालिया थर्ड जो इसकी तीसरी किट है ना। हाँ 90 यूरो। और मुझे जो सही खुशी हुई है वो देखो बाटा बाटा आ गया, बाटा छा गया, फिक्स प्राइस शॉप। फिर यूरोप में आपको अपने भाई जी ब्रांड मिले तो ये देखो बाटा और वो देखो जुवेंटस आया खाया खाया पूरा टक्कर दे रहा हूँ साथ उसके गेस्ट। क्या बात है बाटा आ गया बाटा छा गया। किट आपने लेनी है ओरिजिनल जुवेंटस की तो वो स्टोर भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी ऐसे ही हम चलते जाएंगे और फिर हम वो जो दूसरा गेट है तोरिनो का उस साइड पे भी जाएंगे। जो भी नया बंदा आता है उसके लिए मशवरा ये है कि मेरे दुकान सीखे। फाइनली हम स्ट्रीट के बाहर आ ही गए हैं। वो देखो इधर वो स्ट्रीट खत्म हो गई है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जाएंगे उस गेट की तरफ। जब उस स्ट्रीट से बाहर निकले हैं तो सामने ही ये आ गया। इसका नाम है प्यासा स्तूतो। नाम थोड़े से मुश्किल है तो कहते हैं कि प्यासा स्तूतो। तो कहते हैं कि इधर परियां भी आती थी रात के टाइम। जो इनने जो ऊपर ब्लैक परी बनाई है ना हाँ, उनकी मेन थी हाँ, तो ये फिर इनके लिए जो आते थे जो शामत करते हैं हाँ, और ये जो उनका सेकंड गेट था ना तोरिनो का वो भी इधर ही था ऐसे उन्होंने लगाया हुआ था। तो वो तो भी चलो खत्म हो गया लेकिन ये कहते हैं कि ये आखिरी है उनका स्तूतो आखिरी स्तूतो। एक तो इटालियन भी बड़ी हरामी जबान है कि वो सीखने ही नहीं हो रही है एक दिन में। चलो तो ये वो स्टैचू है जो आपको मैं बताऊँ परियाँ आई हैं हमारी दफ़ा तो परियाँ कोई नहीं परे ही रह गए हैं इधर। तो देखो एक बेचारा उल्टा लेटा हुआ है। हम इधर से जाएंगे जुवेंटस स्टेडियम तो अभी तो टांगे जवाब दे गए हैं तो बस पे जाएंगे इधर से थोड़ा सा आगे। और ये देखो ये सेकेंड गेट भी हमने देख लिया इधर ही वो गेट होता था लेकिन वो वैसे कायम नहीं रहा तो बस यही रह गया। बस की तरफ हम जा रहे हैं और देखो नसीर रूल तोड़ते हुए जा रहा है रेड लाइट और ये देखो ये चल रहा है। मुझे 10 मिनट का कहा था लेकिन 25-30 मिनट हमें लगे हैं झूठ बोल रहा है इसने। वो टांगे भी जवाब दे गए हैं तो ये देखो हमारे सामने क्या है अभी जो सामने है ना हाँ। जो सामने जब पता है वो जो नया साइन होता है ना हाँ। तो सबसे पहले उसका मेडिकल होता है हाँ। ये जुवेंटस का मेडिकल जगह हाँ इधर मेडिकल होता है और ये है जुवेंटस स्टेडियम। तो जो तोरिनो आए वो स्टेडियम ना देखे क्या फायदा। ये है जुवेंटस की मेन एंट्रेंस इधर से रोनाल्डो जाता होता था किसी दौर में। तो अभी तो वो माशाल्लाह सऊदीया में है अच्छा है अल्लाह करे वो मुसलमान हो जाए आमीन सुम्मा आमीन। हमने तोरिनो सारा देख लिया और मज़ा भी आया और भी काफ़ी लोकेशन रहे लेकिन मेरी तो बस हो गई है 3-4 जगह आपको दिखा दी मज़ा भी आया। नसीर बाय बाय कर दो आप भी। तो कल मेरी इधर से फ़्लाइट है एक और कंट्री वो मैं आपको बताऊँगा बाद में वो कल ही बताऊँगा आपको। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़ बाय।